प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। इस दौरे पर भारत के प्रधानमंत्री का जिस तरह अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानियों ने स्वागत किया, उससे लंबे वक्त तक याद किया जाएगा। न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन तक कई मौके ऐसे आए जिसमें अमेरिकी धरती पर मिनी इंडिया नजर आया। जिस वक्त राष्ट्रपति ओबामा से पहली मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस पहुंचे, किस तरह राष्ट्रपति भवन के सामने मिनी इंडिया की तस्वीर बन गई, देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। We started our own Bollywood dance company when we were 14. देख सकते हैं आप माँ दुर्गा की तस्वीर लगाकर बाकायदा इस नवरात्रि के वक्त पर गरबा किया जा रहा है व्हाइट हाउस के ठीक सामने। यहाँ पे तमाम परफॉर्मर्स आए हुए हैं, तमाम इंडियन, और ये आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, उनके स्वागत में ये तैयारियां की गई हैं। बड़ी यहाँ पर परफॉर्मेंस हो रहा है, गरबे हो रहे हैं, नेशनल इवेंट की गई है, और ये सब कुछ आप देख सकते हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ? पांच दिवसीय अमेरिकी यात्रा के सबसे अहम पड़ाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दरवाजे पर आकर उनका स्वागत किया। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच जब ये पहली मुलाकात हो रही थी तो उसी व्हाइट हाउस के ठीक सामने अमेरिकी भारतीय इसका जश्न मना रहे थे। इस मौके पर उनका उत्साह देखने लायक था। इसीलिए व्हाइट हाउस के ठीक सामने ये सब चल रहा है, डांस एक बार फिर शुरू हो चुका है। मैं आप लोगों के बीच से हटता हूँ। डांस का मजा हम सबको लेना चाहिए, गरबे के बहाने एंजॉय किया जा रहा है भारतीय कम्युनिटी के द्वारा। गरबा और बॉलीवुड के गानों पर मस्ती के बाद बारी आई भांगड़ा की। साफ है व्हाइट हाउस के बाहर मिनी इंडिया नजर आने लगा। व्हाइट हाउस के बाहर मोदी के दो ऐसे फैन भी मिले जो वहां पहुंचने वाले मोदी समर्थकों को समोसा और वड़ा पाव बांट रहे थे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर भूपेंद्र चौबे ने उनसे बात की। आई होप दिस इज नॉट कॉल्ड मोदी समोसा एनीथिंग।
Is it a Modi samosa? Is it an Obama samosa? Nothing related to Obama yet, but everything is a Modi. प्रधानमंत्री मोदी और ओबामा की ये मुलाकात ऐतिहासिक है, इसलिए अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का उत्साह कई रंगों में नजर आ रहा है। लेकिन असल मायने में ये गुजरात का गरबा, पंजाब का भांगड़ा और खुशी जताने के तरीकों से ज्यादा लोकतंत्र की अभिव्यक्ति है, जमहूरियत की जुबान। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।